गाइस तो आप भी अगर यूज़ कर रहे हो रॉकर्स कंपनी का 255 ब्लूटूथ डिवाइस, लेकिन गाइस आपको जो इस ब्लूटूथ डिवाइस में कई सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि वॉइस कट होना, या तो जो है मोबाइल से कनेक्ट ना हो पाना, या तो जो है गाइस आपको इस ब्लूटूथ डिवाइस में कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है और आप जो है इसे रीसेट करना चाहते हैं, तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप जो है इस ब्लूटूथ डिवाइस को कैसे रीसेट कर सकते हो और कैसे जो है आप इसे फिर से ठीक कर सकते हो। गाइस अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस जो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लूटूथ है ये मैं पिछले एक महीने से रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ और अभी जो है गाइस इसमें मुझे थोड़ा बहुत जो है प्रॉब्लम्स होने लगा है, जैसे कि इसकी वॉइस जो है वो ऑटोमेटिक कट हो जाती है, या तो जो है गाइस मैं इसे बाइक पे यूज़ करता हूँ तो इसकी वॉइस बहुत ही ज़्यादा कट होती है, या तो जो है ये मोबाइल से कभी कभी कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो गाइस ऐसी प्रॉब्लम्स अगर आपके ब्लूटूथ डिवाइस में भी हो रही है तो सिंपली जो है आपको इसे रीसेट कर देना है और रीसेट करने के बाद जो है गाइस इसकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक हो जाती है। तो चलिए गाइस मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो इसे कैसे रीसेट करना होता है। गाइस तो इस ब्लूटूथ को जो है रीसेट करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो है सबसे पहले इसे फुल चार्ज कर लेना है, उसके बाद ही जो है आपको इसे रीसेट करना होगा। तो चलिए गाइस मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसे रीसेट कैसे करना है। तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बोट कंपनी के वन साइड में जो है हमें तीन बटन्स दिए जाते हैं जिसमें हम कॉल रिसीव कर सकते हैं, कॉल कट कर सकते हैं, या तो जो है म्यूजिक को प्ले या पॉज कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है वॉल्यूम माइनस प्लस का भी बटन हमें दिया जाता है, और एक साइड में जो है हमें बोट का लोगो मिल जाता है, आप देख सकते हैं। तो गाइस सिंपली जो है आपको बटन्स वाले साइड पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे जो है सबसे पहले हमें इसे फुल चार्ज करने के बाद यहाँ से हमें ऑन कर लेना है इस ब्लूटूथ को। जैसे ही आपका ब्लूटूथ जो है वो ऑन हो जाता है तो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे जो है आपको ब्लू कलर की लाइट जो है दो बार यहाँ पे ऑन होती है और उसके बाद दो बार ब्लिंक होने के बाद ये जो बंद हो जाती है, इसका मतलब ये होता है कि ये ब्लूटूथ तो ऑन हो चुका है लेकिन ये किसी भी मोबाइल के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो इसके लिए जो है अभी आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे जो है ब्लू लाइट अभी आपको शो हो रही है, तो अभी हमारा ब्लूटूथ जो है वो किसी भी मोबाइल के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो इसे रीसेट करने के लिए जो है सबसे पहले आपको इसे ऑफ कर देना है ब्लूटूथ को। जैसे ही आपका ब्लूटूथ जो है वो ऑफ़ हो जाता है उसके बाद आपको जो है गाइस ये वॉल्यूम प्लस करने का और जो वॉल्यूम माइनस करने का जो बटन होता है उन दोनों बटन्स को जो है यहाँ पे प्रेस करके रखना होता है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस वाला बटन और माइनस वाला बटन जो है उन दोनों बटन को यहाँ पे आपको प्रेस करना है 7 सेकंड के लिए। तो जैसे ही हम इसे 7 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं गाइस आपको जो है इसे मिनिमम 7 सेकंड के लिए प्रेस करना होता है और मैक्सिमम आप 10 सेकंड के लिए भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस अभी मैंने 7 सेकंड के लिए इसे प्रेस करके रख दिया और इसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो है सिंपली फिर से 7 सेकंड प्रेस करने के बाद और यहाँ पे जो है वॉल्यूम पॉज करने का या तो जो है कॉल रिसीव करने का बटन है उसके साथ ये माइनस जो बटन होता है वॉल्यूम डाउन करने का बटन है, इन दोनों बटन को जो है अब प्रेस करना है 5 सेकंड के लिए। तो आप देख सकते हैं गाइस आप देख सकते हैं गाइस जैसे ही हम इसे 5 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं गाइस जैसे ही हम इसे 5 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको दो लाइट अलग अलग मिलेगी, जो कि यहाँ पे ब्लू लाइट भी ब्लिंक होती आपको दिख रही है और यहाँ पे जो है रेड लाइट भी आपको ब्लिंक होता हुआ नज़र आएगा। तो आप देख सकते हैं गाइस अभी जो है हमारा ये ब्लूटूथ डिवाइस है ये अभी रीसेट हो चुका है और जिस मोबाइल के साथ ये कनेक्टेड था उसके साथ भी ये डिसकनेक्ट हो चुका है। रीसेट होते ही गाइस इसके अंदर जो भी आपको प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी वो सारी प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक हो जाती है और गाइस अभी जो है आप इसे किसी भी मोबाइल के साथ कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। गाइस तो ये मेरी वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल पर आप अगर नए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।